है, एक साधारण बच्चा, एक वो बच्चा जिसका सिलेक्शन हो रहा है, एक वो बच्चा जिसकी रैंक बना रही है, इन तीनों में जो अंतर होता है बेटा वो ये कि एक साधारण बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, एक साधारण सा बच्चा है जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पहली चीज, और अभी अपने पास वो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो दोबारा से टॉप, वो इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। एक बच्चा जिसका सिलेक्शन हो चुका है या इस साल आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और वहीं वो बच्चा जो टॉपर है, जो AIR 1 से लेकर के 500 तक लेकर के आ रहे हैं, इन तीनों में अंतर क्या होता है, आज आपको वो समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते हैं, उनका बस करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, वो भी वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो, बस उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है, क्या अलग होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो एक साधारण बच्चा बेटा क्लासेस देखता है, ठीक है, ये क्लासेस में बैकलॉग बनाता है, जैसे तैसे बैकलॉग को कंप्लीट भी कर लेता है, ठीक है, बैकलॉग बनाता है, फिर बैकलॉग कंप्लीट करता है, ठीक है, उसके बाद ये NCERT पढ़ता है, बैकलॉग को ये कंप्लीट करता है, उसके बाद ये NCERT पढ़ता है, फिर ये DPPs मन करता है तो लगाता है, वरना नहीं लगाता, तो DPPs लगाता भी है और नहीं भी लगाता है, ये साधारण बच्चा जिसका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। AIR क्या होता है मैडम, AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक, पूरे भारत में उसकी रैंक कितनी है, AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक, ठीक है, तो ये तो क्या साधारण बच्चा, और इन बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होता। फिर मैडम किसका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन उनका होता है जो क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते हैं, ठीक है, जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, जिनका बैकलॉग कभी नहीं होता, इनका बैकलॉग कभी नहीं होता है, ये NCERT पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर ये NCERT को बार बार पढ़ते हैं, और ये DPPs भी लगा लेते हैं, ठीक है, रेगुलर लगाते हैं, ये कभी लगाना कभी नहीं लगाना वाला इनका काम नहीं होता है। इसके अलावा इनका अगर मन करता है तो ये अलग से भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ, ठीक है। अब मैडम टॉपर फिर क्या करता है, यही सब तो करना होता है मैडम, इसमें तो टॉपर करते हैं, नहीं, जो टॉपर होता है बेटा वो क्लासेस को रेगुलर अटेंड करता है बिना किसी ब्रेक के, जो कि सिलेक्शन वाला बच्चा भी कर रहा था, इसका भी बैकलॉग कभी नहीं होता है, इसका भी बैकलॉग कभी नहीं होता है, ठीक है, फिर ये क्लास नोट्स को भी बार बार रिवाइज करता है, ये क्लास नोट्स को भी बार बार रिवाइज करता है, और NCERT को भी बार 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 पढ़ता है ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। उसके बाद बेटा ये DPPs भी रेगुलर लगाता है और बार बार लगाता है, DPPs को हर 8-10 दिन में फिर उठा लेता है, देखो तो मुझे याद है कि नहीं याद है, और उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है भर भर के, ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, ठीक है, बहुत सारे, ये PYQs भी सारे करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे करता है, समझे या नहीं, यही अंतर होता है बेटा कुछ बच्चे में जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने वो बच्चे जिनका लास्ट मतलब 2024 में सिलेक्शन होते होते रह रहे हैं, कुछ नंबरों से रह रहा है या अच्छे खासे नंबरों से रह रहा है, और वो पछता रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम पे बैकलॉग नहीं क्रिएट किया होता, काश मैंने उस टाइम पे DPP सारी कर ली होती, काश मैंने NCERT को 4-5 बार पढ़ लिया होता, तो आज वो सिर्फ वो काश कर रहे हैं, और उसी गलती को सुधारने के लिए बेटा वो फिर से ड्रॉप ले रहे हैं ताकि या तो इस साल वो सिलेक्शन दे दें या इस साल वो AIR रैंक लेकर के, समझे कि नहीं, ये कंसेप्ट समझ में आया सबको, जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप कर दो, यस मैडम समझ में आया, तो अपने को या तो वो बच्चा बनना है जिसका सिलेक्शन हो रहा है इस साल, या अपने को वो बच्चा बनना है जो रैंक लेकर के आ रहा है ऑल ओवर इंडिया, समझे, यस मैडम, यस मैडम, हाँ, PDF मिलेगा मैम, हाँ, आपको DPPs मिलेंगी, आपके ऐप पर अपलोड हो जाएंगी, नोट्स मिलेंगे क्लास के, वो भी ऐप पर अपलोड हो जाएंगे, और वही बेटा आपको अपनी नोटबुक में बनाने, DPPs आपको लिख के नहीं सॉल्व करनी है, मैंने क्या बोला, DPPs का प्रिंट आउट निकालो और सारे टिक करो, समझे, ठीक है। मैम बैच कब ले सकते, ले लो भाई, आप क्या देरी कर रहे हो, आज पहली क्लास है कल दूसरी क्लास है, तो बैच अब ले लो, क्योंकि जितना बैच में डिले करेंगे बेटा उतना आपका बैकलॉग क्रिएट होगा, मैंने क्या बोला, बैकलॉग अपने को नहीं बनाना है। एक बच्चा बोला मैम मेरा फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, ऐसे बतेरे एग्जाम्पल मैं दे दूंगी जिन्होंने B12 सिलेक्शन लिया है, जिन्होंने पहले ड्रॉप में सिलेक्शन लिया है, तो सबका पहली पहली बार होता है कभी ना कभी, और सब लोग बेटा सिलेक्शन नहीं लेकर आते हैं, सिलेक्शन केवल वो बच्चे लेकर आते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, या बेटा वो बच्चे और अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लाते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है तुम्हें नीट देने के लिए, तुम पहली बार नीट देने बैठोगे और तुम नीट निकाल सकते हो अगर तुम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो, ठीक है। मैम बैच का प्राइस कितना, बैच का प्राइस आपका 3,000 रुपए है, ठीक है, बैच इन्फिनिटी अगर आप लेते हैं तो उसमें 1500 और लगा लीजिएगा, ठीक है।